गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 4 इंग्लिश का पंडोरा बॉक्स। तो ये स्टोरी है पंडोरा बॉक्स के बारे में। सो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे बच्चे लोग की लाइफ कितनी अच्छी रहती है, नहीं कुछ है, बस अपनी लाइफ को खुशी से जीना है, जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं, अपना खेल कूद वैसा। तो ये क्या रहता है, एक बॉय रहता है जिसका नाम क्या रहता है, हैप्पी मेंटस, और वो बहुत खुश रहता है। उसके पास एक प्लेमेट रहती है जिसका नाम, एक लड़की जिसका नाम है पंडोरा। तो एक दिन पंडोरा उसके एप्लीमेंथस के घर आई उसके साथ खेलने के लिए। तो उसने देखा एक बड़ा सा बॉक्स था अंधेरे रूम में, ठीक है, उसके घर के। तो वो एकदम मतलब बेचैन हो रही थी कि उसके अंदर क्या है। तो एपिमेंटस बताया कि ये मैजिक बॉक्स है और उसको किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। और वो ये भी बोला कि मतलब लोगों लोग इसको खोलने से मना करते हैं, पर पंडोरा उसको खोलने बोली तो वो उसको सेम रिप्लाई दिया, मतलब सेम चीज़ बोला। तो पंडोरा बोली, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। फिर ये क्या बोलता है कि वाई डोंट यू ओपन द बॉक्स टू फाइंड आउट, मतलब तुम डब्बा खोल के देखो ना उसमें क्या है, वो उसको बोली, सजेस्ट की। तो बोला मैं कर सकता हूँ, एपिमेंथस बोला, बट वो क्या बोला, मैं अपने भाई से प्रॉमिस किया हूँ प्रोमेंथस कि वो कभी बॉक्स को छुए ना। तो वो क्या बोलती है, मैं किसी से प्रॉमिस तो नहीं की हूँ, तो मैं तो बॉक्स खोल सकती हूँ, क्या ये बॉक्स लॉक है। तो वो एपिमेंथस बोला नहीं, ये लॉक नहीं है, ये पर इसे खोलना अच्छा नहीं है। तो क्या बोलती है पंडोरा, नहीं मैं इससे एग्री नहीं करती, मुझे खोलने दो और उसके अंदर क्या है देखने दो। तो फिर वो क्या बोलती, मैं तो प्रॉमिस नहीं करी थी कि मुझे बॉक्स नहीं छूना है, मैं एपिमेंथस को बोली। तो चलो इस झगड़े को ख़त्म करो और बाहर चल के खेलते हैं। तो पंडोरा बोली मैं कहीं नहीं खेलने जाऊंगी, और उसका बॉक्स पे ही सिर्फ ध्यान था, वो भी किसके साथ, एकदम क्यूरियसिटी के साथ, मतलब क्या है उसके अंदर ये जानने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी। तो एपिमेंथस उसको अकेले छोड़ दिया रूम के अंदर, और पंडोरा गई बॉक्स के पास, वो बैंड हुई है ना, मतलब वो झुकी और अपने कान उसके पास लाई, ठीक है, मतलब उसके करीब लाई उसके, और उस सुन उस वो क्या सुनी, बहुत सारी स्क्रीमिंग हमिंग, मतलब चिल्लाने की आवाज़, हिचकिचाने की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ आ रही थी, ठीक है, बॉक्स के। तो जैसे वो हिल रहे हैं, तो वो अपना कान रखी थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से, तो उसकी बेचैनी और बढ़ी कि मतलब उसको आवाज़ और अच्छे से सुनाई लगने लगी, और वो आवाज़ को एकदम ध्यान से सुनने लगी, कैसी आवाज़ आ रही है, जैसे सीटी बज रही हो, फटफड़ाने की, बीज जब बुज करती है वो, और ना बहुत सारी चीज़ों की आवाज़ आने लगी। तो पंडोरा एकदम गहरी सांस ली और उसका लीड पकड़ी अपने हाथ से और दोनों उसको उठा दी, और फिर उसको फट से बंद भी कर दी और अपने आँख बंद कर दी। तो वो क्या सुनाई दिया उसे, उसको अगली फ्लाइंग थीस, मतलब बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी गंदी सी चीज़ें आ रही है। तो वो एकदम ज़ोरदार आवाज़ सुनी और देखी कि एपिमेंथस, मतलब एपिमेंथस उसको देखा और वो बोला कि आई एम स्टन्ड बाय समथिंग, वो रोने लग गया। और फिर वो बोला कि क्यों तुमने बॉक्स खोली पंडोरा, फिर देखो कितनी अजीब अजीब चीज़ें निकल रही है इसके अंदर से। तो पंडोरा देखी और वो कुछ भी अच्छे से नहीं देख पा रही थी, है ना, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्वार्म्स थे और बहुत सारी उड़ने वाली चीज़ें थी। तो फिर वो डर के अपनी आंखें बंद कर दी, फिर वो जब अपने आँख खोली धीरे धीरे तो देखी कि एकदम गंदी 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 चीज़ें, जिसके पंख है बैट्स के टाइप, उसके बहुत बड़े बड़े स्ट्रिंग्स है, बड़े बड़े टेल है। तो पंडोरा भी एकदम डर गई, अजीब सा लगने लगा, तो वो एकदम चिल्ला दी दर्द की वजह से। फिर वो पूछी कि तुम्हें पता था क्या इसके अंदर अजीब अजीब चीज़ें थी, देयर वर नॉट लिटिल बैट्स और इंसेक्ट, बट दे आर डिसीज, एनवी एंड विक्टिम्स, जेलसी, सॉरियो, सफरिंग एक्सेट्रा, मतलब उसके अंदर ये सब नहीं था, उसके अंदर जलन था, तबीयत खराब था और बुराई थी। तो वो क्या है, वो ये सब दुनिया में मिल गए थे और ये फर्स्ट, मतलब ये पहला ट्रबल है, फर्स्ट अपीयरेंस है। तो पंडोरा और एपिमेंथस क्या करे, दरवाजे और खिड़की को खोले कि वो सब कोटेज के बाहर निकल जाए, बट वो लोग गए नहीं। और वो घर के बाहर जब निकले तो
तो वो क्या करे, इन्वेडेड करे वर्ल्ड को, कि मतलब पूरा हमेशा के लिए रहे कर, मतलब हमेशा के लिए दूर चले जाए। फिर वो लोग पूरे घर में जा जा के पेपल को ट्रबल करने लगे। फिर उस दिन से सब लोग को फीवर आने लगा, सब तरीके का। वो लोग बेड में लेटे रहते थे या पेट, बहुत दिन तक रोते रहते थे। ओके, फिर उससे वो लोग क्यूज बहुत से, बहुत सारे बूढ़े और सैडनेस, दुखी, दिखते दिखे एंड डेथ बहुत कुछ होने लगा। फिर द फ्लावर्स बिगिन टू विथर टू फॉल, मतलब फ्लावर्स गिरने लगे। फिर लोग झगड़ा करने लगे, उनका वो सिख मतलब तबीयत खराब होने लगा। वो लोग जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगे और मरने लगे, है ना। अगर पंडोरा बॉक्स नहीं खोलती तो उन लोग को ये सब दिन देखने ही नहीं पड़ते। तो ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यही सीख दी जाती है कि इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें जो चीज़ मना किया जाता है वो हमें करना नहीं चाहिए। जैसे पंडोरा को एपिमेंटस ने ये बॉक्स खोलने से मना किया था, पर उसने खोला और देखा कि उसके बाद कितना कुछ हुआ, है ना। तो इसीलिए कि बोलते हैं कि आपको जो बोला जाता है वही करना चाहिए, और जो चीज़ के लिए मना किया जाता है उसको कभी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब हम करेंगे बैक एक्सरसाइज। तो अब हम लोग करेंगे बैक एक्सरसाइज शुरू। तो सबसे पहले है डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में सॉरोस, प्लेजेंट, प्लेमेट, क्यूरियस, सजेस्टेड, प्रॉमिस, सैडनेस, डिसीज, डिके और स्वाम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में प्लेजेंट समथिंग दैट मेक्स अस फील हैप्पी। सेकेंड प्लेमेट समवन हु प्लेज विथ। ओके, थर्ड है क्यूरोसिटी, ईगरनेस टू नो अबाउट समथिंग। वायलेंटली वेरी रैपिडली, टेरेबल फियरफुल, स्वार्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लाइंग वीज और इंसेक्ट्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा ट्रू और फॉल्स। ओके, पंडोरा वॉज अ मैजिशियन। फॉल्स, पंडोरा मैजिशियन नहीं थी। एपीमेंथस वॉज पंडोराज प्लेमेट। एपीमेंथस पंडोरा के साथ खेलता था। हाँ, द मैजिक वॉज कैप्ट इन अ डार्क रूम इन साइड पंडोराज हाउस। येस ट्रू, मतलब एपीमेंथस न्यू वॉट वॉज देयर इन साइड बॉक्स। फॉल्स, एज सुन एज पंडोरा ओपन द बॉक्स स्वामी क्रिएचर केम आउट ऑफ इट। ट्रू। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु इज पंडोरा? पंडोरा वॉज अ गर्ल। वॉट वॉज द वर्ल्ड लाइक इन द बिगनिंग? एवरी वन इन द वर्ल्ड वॉज यंग इन द बिगनिंग ऑफ द लाइफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट वॉज देयर इन मैजिक बॉक्स? देयर आर टेरिबल क्रिएचर्स इन साइड द बॉक्स। हु हैड आस्क एपीमेंथस नॉट टू ओपन द बॉक्स? प्रोमेंथस द ब्रदर ऑफ एपीमेंथस हैड आस्क नॉट टू टच द मैजिक बॉक्स। वॉट वॉज पंडोराज क्यूरियोसिटी? पंडोराज क्यूरियोसिटी वॉज टू नो अबाउट मैजिक वॉट द मैजिक बॉक्स कंटेन। अब है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। देयर वर ओनली चिल्ड्रन लिविंग इन विलेज। हु न्यू वॉट वॉज इन साइड द बॉक्स? नो बडी। हुम डिड द एपीमेंथस प्रोमिस नॉट टू ओपन द बॉक्स? प्रोमेंथस। ओके, देन नेक्स्ट है वट केम आउट ऑफ द बॉक्स? अगली फ्लाइंग थिंग्स। दिस क्रिएचर्स हैड शार्प स्ट्रिंग इन देयर टेल्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। दे हैव लॉन्ग लॉन्ग शार्प स्ट्रिंग इन देयर टेल्स। हर आई वॉज फोकस्ड ऑन द बॉक्स विथ क्यूरियोसिटी। दे आर आफ्टर द फ्लावर्स बिगिन टू विधर एंड फॉल। शी वॉज क्यूरियस टू नो वॉट वॉज देयर इन साइड द बॉक्स। इट इज सेड दैट एवरी वन इन द वर्ल्ड वॉज यंग इन द बिगनिंग ऑफ लाइफ। अब है हमारा ग्रामर टाइम। तो सबसे पहले इज एम और आर क्यू यूज़ होता है ये सबसे पहले बताना है। तो इस किस लिए होता है? यूज़ होता है किसी पर्सन के बारे में, जैसे किसी एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो इज यूज़ होता है। आर क्यू यूज़ होता है एक से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हो, और एम क्यू यूज़ होता है जिसमें वॉवल्स लगते हो। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में किस पे लग गया? आर में। सेकेंड में क्या हो गया? एम पे, क्योंकि आई बोल रहे हैं। मोनिका इज़ गुड एंड ब्यूटिफुल गर्ल, इसमें लग गया। पंडोरा एंड एपीमेंथस आर प्लेमेट्स, इज शीज योर क्लास टीचर, इसमें हो गया। मोहन, राकेश एंड नदीम आर गुड फ्रेंड, आर में हो गया। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन, इसमें हो गया। वी आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, आर में हो गया। आई एम राइटिंग अ लेटर टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, एम में हो गया। पारुल इज एन इंटेलिजेंट गर्ल में, इसमें हो गया। ओके, सो यहाँ आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।